हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक्लियो एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। तो सबसे पहले हम जानते मतलब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नंबर सीरीज। क्या जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होता है? नंबर सीरीज होता है कि अ सीक्वेंस फाउंड आउट ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का कोई भी एक पैटर्न, मतलब किसी भी जैसे कि नंबर में टू में कितना ऐड होके एक सीरीज बन जाए तो उस क्या बोलेंगे, नंबर सीरीज। क्या बोलेंगे? अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस फॉर्म्ड आउट ए नंबर, फॉर्म्ड आउट ऑफ ए नंबर, फॉर्म आउट ए नंबर। जैसे एग्जाम्पल के एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 4, 8, 16। तो ये एक नंबर सीरीज है, ऐसे आगे नंबर सीरीज है। इसमें क्या एक पैटर्न है, टू में कितना ऐड हो जा रहा, कितना मल्टीप्लाई, टू में टू का मल्टीप्लाई किया फोर आया, फोर में टू का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, एट आया, एट में टू का मल्टीप्लाई किया तो आया 16 आया। ऐसे आगे अगला सीरीज आता रहे तो इसके क्या बोलेंगे, नंबर सीरीज बोलते हैं। तो चलिए हम नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। क्या देखते हैं? नंबर सीरीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट है, इफ अ नंबर सीरीज इज इंक्रीजिंग स्लाइटली देन इट इज कॉल्ड एडिशन सीरीज। मतलब कि कोई भी नंबर सीरीज अगर धीरे धीरे मतलब अपनी मतलब कि दो चार नंबर या फिर पांच छह नंबर या फिर उससे भी ज्यादा नंबर से इंक्रीज करता है धीरे धीरे, तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे, एडिशन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडिशन सीरीज। अगर इफ अ नंबर, दूसरा पॉइंट है, इफ अ नंबर इज डिक्रीजिंग स्लाइटली देन इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन सीरीज। मतलब कोई भी सीरीज, किसी भी नंबर सीरीज जो धीरे धीरे इंक्रीज डिक्रीज करता है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन सीरीज। क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन सीरीज। इफ अ नंबर सीरीज, तीसरा पॉइंट है, इफ अ नंबर सीरीज इज इंक्रीजिंग रैपिडली, मतलब अचानक से, देन इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मतलब अचानक से पहले दो है, फिर 232 हो जाए, फिर 800 हो जाए, मतलब अचानक से बढ़ने लग जाए तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीरीज। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन सीरीज। और चौथा पॉइंट ये है, इफ अ नंबर सीरीज इज डिक्रीजिंग रैपिडली देन इट इज कॉल्ड डिवाइडेशन सीरीज। मतलब कि जैसे कोई भी नंबर दिया है कि बहुत ज्यादा मतलब कि 600 है, फिर अचानक से 200 हो जाए, फिर अचानक से 100 हो जाए, तो अब वो अचानक से मतलब बहुत ज्यादा बीच में गैप है ना, तो जिससे कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेशन सीरीज। क्या बोलेंगे? डिवाइडेशन सीरीज। हमें इस पूरे नंबर सीरीज में इन्हीं चारों को मतलब इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। पहला एडिशन सीरीज, दूसरा सब्ट्रैक्शन सीरीज, मल्टीप्लीकेशन सीरीज और एक डिवाइडेशन सीरीज। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ दो सीरीज को पढ़ेंगे, पहला एडिशन सीरीज और दूसरा सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज में पहला पॉइंट क्या है, एडिशन सीरीज में पहला पॉइंट है कि सेम नंबर, मतलब सेम नंबर एडिशन सीरीज, सेम नंबर एडिशन सीरीज। एग्जाम्पल से देखते हैं, सेम नंबर एडिशन कैसे कर देख सकते हैं। जैसे अगर हम, जैसे मेरा कोई भी एग्जाम्पल है, 2, 6, 10, 14, 18 और आगे पूछा कोई भी डिजिट का, अगला पूछा कौन सा डिजिट होगा,
इन सब के मतलब कि 2, 6, 10, 14, 18 तो अगला कौन सा डिजिट होगा, तो देख तो कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे क्या इन दोनों का गैप देखेंगे, इन दोनों के बीच में गैप कितना आएगा 4 का, फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 4 का, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 4 का, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 4 का, तो क्या आ रहा है कि 4 का गैप आ रहा है, तो मतलब सेम नंबर मतलब 4 4 4 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 जो भी डिजिट नंबर होते हैं बहुत जो भी नंबर हैं वो सब होते हैं, उन दोनों के मतलब सेम नंबर से ही गैप बनेगा, तो उसे बोलेंगे सेम नंबर एडिशन सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी सीरीज दिया है तो सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों दो डिजिट मतलब अल्टरनेट सीरीज के डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो सेम नंबर आ रहे हैं तो अगला डिजिट में 4 को ऐड करके 4 ऐड कर दिए तो यहाँ पे आएगा 22, तो हमारा अगला डिजिट अपने आप आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई है कि 90, फिर दे दिया 101, फिर कह दिया 1 1 1 मतलब 1 1 2, वैसे अगला डिजिट कौन सा है, तो क्या करेंगे इन दोनों का पहले क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, कितने डिफरेंस आएगा तो पहले देखें 90 और 101 में तो वो भी 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा, इन दोनों में भी 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला डिजिट कौन सा होगा, 11 से अगर ऐड कर देंगे तो अगला डिजिट आएगा, 11 से ऐड किया तो कितना आया 2 1 3 2 1, हमारा अगला डिजिट कितना है 123। तो अगला देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि इंक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज, तो हम क्या कहते हैं मतलब कि एग्जांपल से लेके समझते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज क्या होगा, तो जैसे एग्जांपल एक कोई लेते हैं 2, 3, 5, 8 कोई 12, 17 आर डॉट डॉट आगे एक डिजिट, इसमें क्या होगा, तो हमसे देखते हैं क्या होगा, देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 1, इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा 2, इन दोनों का निकालेंगे तो 3, इन दोनों का निकालेंगे तो 4, इन दोनों का निकालेंगे तो 5, तो इसमें क्या है इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे 6, इसमें कितना आएगा 23 ऐड कर दिया। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज में, ये यहाँ पे 1 2 3 4 का गैप आ रहा है, जैसे ये हो गया पूरा नेचुरल नंबर हो गया, क्या होगा ये पूरा 1 2 3 नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हो गया नेचुरल नंबर, हो गया नेचुरल नंबर से भी डिफरेंस बन सकता है, और किससे बन सकता है क्यू मतलब ये इवेन नंबर से भी बन सकता है, ऑड नंबर सीरीज बन सकता है, कंपोजिट नंबर बन सकता है, कंपोजिट नंबर से डिफरेंस, प्राइम नंबर से भी डिफरेंस मतलब आ सकता है, उसके बाद कोई भी नंबर का क्यूब, कोई भी नंबर का स्क्वायर, इन दोनों के जैसे कि किसी का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर से भी हो सकता है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब इससे भी हो सकता है, ऑड नंबर से 1 ऑड नंबर 1 3 5 7 ये भी डिफरेंस आ सकता है, इवन से 1 2 4 6 8 इवन नंबर का आ सकता है, नेचुरल नंबर का एग्जांपल देख ही लिए हैं, तो एक और एग्जांपल लेके देखते समझते हैं कि क्या होगा, एक एग्जांपल और लेंगे तो क्या बनेगा कि जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 8 8 9 12
24। तो अगला डिजिट कौन सा होगा ये देखते हैं। अगला डिजिट कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे। 9 में से 8 गया 1, इसको डिफरेंस, इसका डिफरेंस लेंगे तो 3, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 5, इसका डिफरेंस कितना लेंगे का आएगा कितना 7। तो ये क्या बन रहा है 1 3 5 7, ये क्या बन रहा है ऑड, ऑड नंबर है ये सब। ऑड नंबर सीरीज मतलब ऑड नंबर क्या होगा, 1 2 1 3 5 7 9 11 इसी आगे होगा जो भी होगा। तो अगर यहाँ पे हम 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33। फिर उसके बाद क्या करेंगे 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44। तो ये हमारा दो अगला दो सीरीज क्या होगा 33 44। ये हमारा हो गया एडिशन सीरीज। एग्जाम्पल एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो, अगर जैसे कि यहाँ पे अगर बनाए तो 2 का सीरीज मतलब 2 का सीरीज बनाते हैं, तो जैसे कि एक एक ऐड हो पहले 2 ऐड हो, जैसे लेते हैं 28, ऐसे भी बन सकता है 28 फिर 44 फिर 53 फिर 57। फिर अगला कौन सा डिजिट होगा ये देख लेते हैं, अगला डिजिट कौन सा होगा, ये सब दिया है तो अगला कौन सा है, अगला कौन सा डिजिट होगा ये देखते हैं कि ये यहाँ पे कितने कितने डिजिट का गैप है, 16 डिजिट का गैप है, 16 डिजिट का गैप है, ये कितने डिजिट का गैप है, ये 9 का है, ये 4 का है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो गया मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो अगला यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 3 का, तो अगला कौन सा स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, मतलब कि ये पूरा स्क्वायर का, ये वाला सीरीज भी उल्टा हो सकता है चाहे सीधा हो सकता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 1 और ऐड करेंगे तो क्या होगा 58 हो जाएगा, कौन सा डिजिट आएगा 58। तो ये रहा हमारा एडिशन सीरीज। इसमें हम कोई भी ऐड मतलब जैसे कि कोई भी जैसे इसमें कोई भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है, ऑड नंबर आ सकता है, कंपोजिट नंबर आ सकता है, प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, किसी भी नंबर का, ये सब का डिफरेंस हो सकता है। तो हम अगला देखते हैं कौन सा सीरीज है, अगला अगला है सब्ट्रैक्शन, अगला है सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो इसका पहला पॉइंट है सेम नंबर, सब्ट्रैक्शन सीरीज, मतलब कि एक ही नंबर से सब्ट्रैक्ट होता रहे, मतलब एक नंबर से घटता रहे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एग्जांपल एक लेते हैं कि 48 43 33 28 23। तो अगला कौन सा डिजिट है, तो ये देखते हैं इन दोनों का। पहले हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस कितना आएगा, 5 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी 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 5 का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 5 का। सब में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब अचानक नहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्या होगा, ये भी 5 से डिफरेंट, इसका 5 से भी क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 23 से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 18। तो हमारा अगला सीरीज क्या हो जाएगा 18।
तो एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, अलग से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लेते हैं चौवालीस, चालीस, 36, 32, तो अगला कौन सा डिजिट, कौन सा डिजिट होगा? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। ये भी कितना आ रहा है, 4। ये भी कितना आ रहा है, 4। मतलब 4 कम होता जा रहा है, 4। तो सेम नंबर है 4 4 4, यहाँ अब जैसे 5 5 5 था वैसे सेम नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 से माइनस करें तो कितना आएगा, 28। तो अगला डिजिट कौन सा हुआ, 28। तो ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट टाइप हमारा ये है कि इंक्रीजिंग, मतलब कि जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे उसमें मतलब कि जैसे एडिशन सीरीज में था कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब सब्ट्रैक्शन सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होगा, 95, 94, 92, 89, 85, 80, तो अगला कौन सा डिजिट होगा, तो क्या देखते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। पहले हम दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 1। इधर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 2। इधर लेंगे तो आएगा 3। इधर लेंगे तो कितना आएगा, 4। इधर लेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब ये कि ये डिजिट बढ़ रहा है लेकिन ये दोनों ये यहाँ से कम हो रहा है, माइनस हो रहा है सब में। 2 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, तो अगला कितना माइनस होगा, 6 माइनस कर देते हैं। 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 74। तो अगला डिजिट कौन सा आएगा हमारे लिए, 74। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई सिंपल सा कि जैसे हमारे पास कोई डिजिट है कि 2, मतलब एग्जांपल देखने से पहले ये देखते हैं दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के डिफरेंस में, मतलब इन दोनों के डिफरेंस जो भी है नंबर आ रहा है, ये नंबर 1 2 3, ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ये जैसे एडिशन सीरीज में था ये ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और उन दोनों एडिशन में भी हो सकता है कि क्यूब रूट से भी हो सकता है, स्क्वायर रूट से भी हो सकता है, स्क्वायर रूट से या फिर क्यूब रूट से। डिफरेंस इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस हो सकता है कि हम किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर ऑड डिजिट से भी डिफरेंस आ रहा है, सीरीज बन रहा है, इवन डिजिट से भी, प्राइम नंबर से भी, नेचुरल नंबर से भी, क्यूब से भी, स्क्वायर से भी, स्क्वायर रूट से भी, क्यूब रूट से भी, कोई भी डिजिट का नंबर बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं कि 50, 45, नंबर 43, 42, कितना अगला डिजिट कौन सा होएगा, मतलब जैसे यहाँ 50 से कितना कम हुआ, 50 में से 5 कम हुआ, सॉरी 50 में कितना कम हो गया, यहाँ से 5 कम हुआ, यहाँ से 3 कम हो गया, यहाँ से अगला कौन सा कम हो सकता है, 5 3, फिर अगला कितना होगा, 1। 1 3 5, ये कौन सा डिजिट है, ऑड नंबर, ऑड नंबर सीरीज क्या होता है, 1 2 3 4,
पाँच, सात, नौ, 11, इन दोनों का गैप होता है। इवन नंबर सीरीज क्या होता है? दो, चार, छ, आठ, दस, 12, ये डिजिट होता है। नेचुरल नंबर तो होता ही है, नेचुरल नंबर से भी हो सकता है जी, सॉरी, एक, दो, तीन, चार, जैसे आप चार, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, इससे भी हो सकता है, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, इसका डॉट डॉट भी हो सकता है। इसके बोलते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर, इसको बोलते हैं क्यूब ऑफ ए नंबर, मतलब कोई भी, मतलब डिफरेंस कोई भी हो सकता है, ये ऑड है, मतलब पूरे ऑड नंबर, ये ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, आपकी अगली वीडियो में हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में कैसा सीरीज बनता है वो बताएंगे। आज के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।